अगली खबर पंचकुला से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वन कार्यालय में ओएसडी रहे अमरेंद्र सिंह को प्रदेश सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से दी है। जी हां, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें अपने कार्यालय 2 में लेबर वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। आज उन्होंने पंचकुला स्थित अपने कार्यालय में कार्यभार भी संभाल लिया है। प्रदेश में कार्य कर रहे मजदूरों के हितों की अनदेखी ना हो, इसीलिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने अमरेंद्र सिंह को यह नई जिम्मेदारी सौंपी है। लेबर वेलफेयर बोर्ड के नव नियुक्त चेयरमैन अमरेंद्र सिंह ने आज पंचकुला सेक्टर 4 स्थित कार्यालय में पहुंचकर अपना पदभार संभाला। वहीं इस मौके पर मौजूद मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन अमरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर किसी सरकार ने मजदूरों के हित की चिंता की है तो वो है भाजपा सरकार। उन्होंने 2014 की भाजपा सरकार व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मजदूरों के हितों के लिए किए गए कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि हम पुराने एजेंडों को लेकर आगे बढ़ेंगे और लेबर वेलफेयर में और क्या हो सकता है, मंत्री जी के सानिध्य में बैठकर इस पर काम किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, टेक्निकल एडवाइजर विशाल सेठ समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहले आप सुनिए कि लेबर वेलफेयर बोर्ड के नव नियुक्त चेयरमैन अमरेंद्र सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद क्या कहा। लेबर फेड का और इस डिपार्टमेंट की बात की जाए अगर, तो काफी टाइम से कोई हलचल नहीं है इस डिपार्टमेंट का, क्या करेंगे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद के कालखंड को और उसके मध्य के अभी तक के कालखंड को आप देखेंगे तो पहली बार वास्तव में मजदूरों के हित की कोई चिंता किसी सरकार ने की थी तो हमारी इसके पहले की सरकार ने की थी। अब भी हम उन सारे पुराने एजेंडों को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। लेबर वेलफेयर में क्या क्या बेहतर हो सकता है, इसके लिए वेलफेयर फेडरेशन के लोग माननीय मंत्री जी के साथ बैठ करके मंत्री जी के सानिध्य में हम कैसे इस काम को बेहतर परिणाम तक पहुंचा सकते हैं, इसकी योजना रचना बना करके इस काम को हम परिणाम देने वाले हैं। हरियाणा की बात करें तो आप सीएम साहब के साथ काफी समय रहे उच्च पदों पर। हैदराबाद, एक आपको आज पता चला होगा कि हैदराबाद के अंदर एनकाउंटर किया। आपने सुना कि लेबर वेलफेयर बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन अमरेंद्र सिंह प्रदेश के मजदूरों के हितों की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि मजदूरों के हितों के लिए श्रम विभाग का गठन किया गया है। हरियाणा में इस समय हजारों औद्योगिक इकाइयां मौजूद हैं जिसमें लाखों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। ऐसे में अब चेयरमैन बने अमरेंद्र सिंह की नजर उन फैक्ट्रियों और उद्योगों पर टिकी रहेगी जहां अमूनन मजदूर के हितों की अनदेखी की जाती है। वहीं अमरेंद्र सिंह के चेयरमैन बन जाने के बाद अब प्रदेश भर के उन लाखों मजदूरों में भी आस बंधी है, अब उनके हितों की भी रक्षा होगी। यहाँ यह गौर करने वाली बात है कि अमरेंद्र सिंह जब मनोहर लाल वन सरकार में ओएसडी के पद पर तैनात थे तो अपने करनाल दौरे के दौरान वह ओएसडी रहते हुए स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया करते थे। यही नहीं बल्कि समस्याओं का समाधान करते हुए वह जनहित में कई बार अधिकारियों तक से उलझ जाते थे। आपको बता दें कि ओएसडी रहे अमरेंद्र सिंह चुनावों के दौरान समाचार एक्सप्रेस के कार्यालय में आए थे और कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उनसे कई बेबाक और तीखे सवाल तक पूछे गए थे। इस कार्यक्रम का बकायदा लाइव किया गया था जिसे हजारों लोगों ने भी देखा था। उन पर 2 दर्जन से अधिक तीखे सवालों की झड़ी लगाई गई थी। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।